हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल पुष्पेंद्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं यूट्यूब पर, तो उसके बाद में हम अपने चैनल को रिव्यू में कैसे भेजें, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4 क्राइटेरिया जो है यूट्यूब के, वो हमें कम्प्लीट करने पड़ते हैं। जिनमें पहला जो है वो आपका ये है कि 1000 सब्सक्राइबर आपके कम्प्लीट होने चाहिए। दूसरा जो है वो यही कि आपका जो चैनल है उसके ऊपर 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है वो है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये चारों क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होता है। और जो लोग काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको ईजिली इन चीज़ों के बारे में पता है। अगर आप न्यू यूट्यूबर्स हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर आप देखें मेरा चैनल तो मैंने कब बनाया था और अभी तक इसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं। अगर आप बिल्कुल नए यूट्यूबर्स हैं तो देखिए 10 से 15 जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मोनेटाइज करने के कुछ ट्रिक्स भी आप यूज़ ले सकते हैं। मेहनत करना वो तो एक देखिए वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर यूट्यूब से पैसा कमाना है तो यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ डालने ही पड़ेंगे। बट आप काफ़ी कम टाइम के अंदर अगर अपना यूट्यूब जो है वो मोनेटाइज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं मेरे चैनल का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी कम टाइम के अंदर सिर्फ 15 से 20 जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर ही अपना चैनल का जो वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जब स्टार्टिंग की तो 23 मई के आसपास जो है वो स्टार्टिंग की थी और अभी तक 10 या 12 जो वीडियोज़ है वो अपलोड किए हैं और मेरा जो क्राइटेरिया वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया है। अब सवाल यह आता है कि इतना जल्दी क्राइटेरिया कंप्लीट आखिरकार हुआ कैसे और जो स्टेप्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप वो देख सकते हैं और उनके जरिए आप भी अपना वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अंडर रिव्यू में किस तरीके से भेजें। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 स्टेप दिए गए हैं और हमें तीनों स्टेप जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसके बाद में हमारा जो चैनल है वो जाता है रिव्यू के अंदर। तो देखिए पहला जो हमारा स्टेप है वो है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म एंड कंडीशंस, मतलब यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशंस जो है वो। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो अगर आप रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना। ये अलग अलग यूट्यूब के जो प्रोग्राम्स हैं उनके टर्म्स हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पे काफ़ी आपको मिल जाते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं, तो इनको कोई ज़्यादा वो नहीं है। जस्ट आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद में आपको आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स करना है और जस्ट एक्सेप्ट टर्म करना है। जैसे आप करते तो यहाँ पर देखिए आपको डन का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिखा देगा कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कम्प्लीट हो गया है। तो टेक इट ए लिटल बिट टाइम, तो चलिए थोड़ा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो तब तक हम बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब के टाइम में अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो आपको मेहनत जो है वो यूट्यूब पे वीडियो जितना हो सके उतनी ज़्यादा करें ताकि आपका सारा काम हो जाए। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप में आपको करना है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। जस्ट आपको स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, या फिर आप उसके बारे में नहीं जानते या फिर पहले से आपका अकाउंट है। तो अभी हम बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं तो नो आई डोंट हैव एन एग्जिट अकाउंट, इट मीन्स हमें नया अकाउंट बनाना है। तो जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है सेकंड ऑप्शन पे और यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और आपको कंटिन्यू कर देना है। और जैसे ही आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने जो गूगल एडसेंस है उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है वो क्रिएट करना है। और जो भी आपकी ईमेल है सबसे पहले वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो मैं अपने जो चैनल की ईमेल है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, ये गूगल एडसेंस जो है हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम अपने चैनल का जो गूगल एडसेंस है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमारा जो गूगल एडसेंस का जो साइनअप जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका चैनल का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर योर वेबसाइट में आपके जो चैनल का लिंक है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है
उसके बाद में अगर आप देखेंगे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, अगर आपको एडसेंस के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस हैं, जो सजेशंस हैं वो मिलने चाहिए, तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करनी है आपकी कंट्री, तो अदरवाइज इंडिया ही है, तो हम यहाँ पर एक सेलेक्ट करेंगे इंडिया। और यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे जाना है और यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स, जो इसका एग्रीमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद में क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट अकाउंट करते हैं तो आपका गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ खास देखने को मिलेगी आपको, एडसेंस फॉर यूट्यूब साफ साफ लिखा आ रहा है कि ये जो एडसेंस अकाउंट बनाया गया है यूट्यूब के लिए बनाया गया। इसके बाद में आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, मतलब अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक आपका एड्रेस, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी जरूरी है। तो ये स्पेशली आपने YouTube के लिए बनाया है, अगर पहले से तो आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान क्या देनी है वो देख लीजिए, कस्टमर इन्फॉर्मेशन के अंदर अकाउंट टाइप जो है वो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप इंडिविजुअल ही रखें। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर लेते हैं जिसके बाद में ये चेंज नहीं होता और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको सारे जो नेम और एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं सारे जो अपने एड्रेस वगैरह हैं वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। देखिए सबसे पहले नेम है, उसके बाद में एड्रेस है, और फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो रहने दीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि आपको फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद में इसको टेक्स्ट मैसेज के जरिए मैं वेरीफाई कर। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आप फ़ोन नंबर डाले वो अपना कंट्री कोड के साथ डाले, अदरवाइज काम नहीं करेगा। उसके बाद में वेरीफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर जाएगा और आपको जो वेरीफिकेशन कोड मिलता है वो आपको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना जो वेरीफिकेशन कोड है वो डाल देता हूँ और देन इसको कर देना है हमें सबमिट। तो देखिए यहाँ से हमने कर लिया सबमिट और ये ऑटोमेटिक जो है रीडायरेक्ट कर देगा अपने आप आपके यूट्यूब के जो एडिसेंस अकाउंट है उसके ऊपर। तो टेक इट ए लिटल बिट टाइम, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑटोमेटिक है यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पेज है वहाँ पर डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप अभी तक नॉट स्टार्टेड है बट रिफ्रेश हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप दिखा दिया इन प्रोग्रेस, तो मतलब 24 आवर्स के बाद में आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही आपका जो चैनल है वो रिव्यू में चला जाएगा। स्टेप 3 जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूट्यूब जो है वो ऑटोमेटिक अपने आपके चैनल को जो रिव्यू में है वो डाल देगा। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों का चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो हमारे पीछे की वीडियो जाके ज़रूर देख लें। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं, मैंने इसके लिए 2-3 वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए टेक्निकल पुष्पेंद्र यूट्यूब चैनल।